अगर आप लगवाना चाहते हैं टाइल्स तो चले आइए चिड़ावा शहर के सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम योगी टाइल्स पर। यहां आपको हिंदवेयर, सोमानी जैसी नामी कंपनियों के टाइल्स के साथ ही गुजराती प्रीमियम टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथवेयर भी मिलेंगी रीजनेबल दरों पर, क्योंकि मजबूत टाइल्स और रीजनेबल दर, यही तो है योगी टाइल्स का वादा। तो जल्दी संपर्क करें। आप देख रहे हैं श्रीनगर टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त चिड़ावा शहर में हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो सूरतगढ़ जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ मांगे लेकर ये दिल्ली जा रहे हैं साइकिल यात्रा। इनकी हाइट देखकर, इनकी हाइट पर मत जाइए, इनकी बड़े बड़े कुछ ऐसे कार्य किए हुए हैं, उन्हीं में से एक कार्य ये भी शामिल होने जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आप नेशनल एथलीट है और कहाँ से रहने वाले, क्या नाम आपका? सारा ने घनी घनी मोकली मोकली राम राम चैनल के माध्यम हूँ। मैं सूरतगढ़ श्री गंगानगर जिले को रहने वाला हूँ और आ यात्रा है जो कि हमारी सूरतगढ़ ही रवाना हुई थी। 21 तारीख की मैं विश्व माइड भाषा दिवस पर रवाना करी और आज हमारी यात्रा को जिको है 8वां दिन है और चिड़ावा हूँ अभी मैं रवाना होने लग रहा। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और कहाँ तक जाने वाले हैं? हमारी यात्रा को जो कि हमारी राजस्थानी जन कल्याण संस्थान है भी संस्थान, वो एक ही उद्देश्य है कि हमारी राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले। बिंग मान्यता सारू एक मैं ज्ञापन ले गया और सेंटर सरकार तक है, दिल्ली तई संसद भवन तई आ यात्रा है जो कि मैं तेवड़ी है और जावन लाग रहा। आप नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, क्या कौन सा गेम आपने खेला था और किस तरह की मुश्किलें जो आती है, आपकी हाइट कितनी है वो बताइए। मेरी हाइट है 3.5 फीट है और मैं और मेरी पत्नी दोनों है जिका नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट हाँ और अब तक मैं 38 मेडल है जिका जीते है खेला के अंदर। पैरा एथलीट का अलग गेम हुआ है और बंग अंदर मैं अभी भी गेम खेलने लग रहा। हाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है? जैसे अभी भी यात्रा में चल रहे हैं आप, साइकिल भी आपकी छोटी है तो ये भी आपको स्पेशल तैयार करवानी पड़ी होगी। देखो, समस्या तो हर जगह है, देखा तो अगर नहीं देखा तो हर समस्या को समाधान है। तो मैंने भी हर समस्या आवे लेकिन समाधान भी मिले और सारा बड़ी बात है। मैंने सारा को जट्ठे भी जाऊँ आज, चलो यात्रा के अलावा आज तक जट्ठे भी हूँ, सपोर्ट बहुत मिली है, हौसलों बहुत बड़ो मिले भी हौसला हूँ। अंदर जो जुनून है, अंदर की अंतरात्मा आई कहे कि तू कर सके और बिंग जी के है मार्गदर्शन के अंदर ही मैं कदी अंदर हूँ जी को निराश को नहीं हो जदू मैं समझ पकड़ी है जदू। लोगों ने आपके जिले में आपके गाँव में कहा होगा यार एक तो हाइट कम है तुम्हारी है कि दिल्ली जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, साइकिल पर जा रहे हो आप तो काफ़ी समस्याएँ आएगी, इतना खर्चा लगेगा, कहाँ से वैन करोगे? देखो, बात बिल्कुल सही है। बहुत जना अज भी कॉल आवे जिका इतेसी है, जिका गुरुजन है, वे कॉल कल कर पूछे है कि तने कोई दिक्कत तो कोनी के, तू निर्णय लियो है किया करियो है, मनोज जी है, स्वामी जी है, बार बार कॉल करे महाराज जी का आदरणीय आदर जो गुरु जी प्रवीण जी भाटिया है, पल पलों दो दो घंटाओं बात करे मारो क्या तने कोई दिक्कत कोनी आवे के सत्यनारायण जी शर्मा जी, मतलब हर जगह हूँ जट्ठे भी मैं यात्रा निकाल चुके हाँ और लारूँ और आगू सब जगह पूछने लाग रहे कॉल। तो आज एक मारे लिए बहुत बड़ो एक जोश है जी को भरीजन लाग रहा है और यहाँ तो देखो जी समस्या आवे कई बारी तो इसी स्थिति हो जाए उतरन लागू जन सीधो ही यहाँ पड़ जाऊँ जन मैं पूछा है ओके की कौन मैं उतरन को स्टाइल है तो कोई दिक्कत को नहीं, यहाँ तो चालती रहे लेकिन समस्या के बीच के अंदर है जी की सकारात्मक जी की पॉजिटिविटी मिले बिंगी वजह में जी को मारो हौसलो बढ़े। तो क्या मानकर चलते आप, क्या मतलब आइडिया कहाँ से आया दिमाग में कि अपने को अपनी भाषा को राजस्थानी भाषा को अपने को मान्यता दिलवानी चाहिए, इसके लिए प्रयास करने चाहिए अपने? देखो, लगभग पिछले 70 साल हूँ और प्रयास साल है कि अपनी भाषा ने जी की मान्यता मिलनी चाहिए। लगभग सारा जितना भी राज्य है भाषा के आधार पर राज्य बने रहे और आपनों भी एक इशो इतो बड़ो क्षेत्र है जिको भाषा के आधार पर है लेकिन आपने एक विडंबना है कि आज तक है जी की मान्यता कौन मिली। और पिछले काफ़ी साल हूँ मैं यार मेरा दो मेरा चालन लाग रहे है जिका मेरा मैं कह सकूँ कि दाया बाया जिका मेरा कंधा है रामचंद्र और भाई राजेश। मैं एक बार बैठे आया तो मारा विचार में आयो कि क्यों ना एक बार मैं नीचे उतरूँ क्या, क्यों ना कि आपनों जी की यात्रा है इस बार 21 फरवरी ने एक आपा जी की ज्ञापन देवा या इस तरीके करके बिना इश्यू एक अलग मैसेज लेके चला जिको लागनो चाहिए कि हाँ वास्तव में अपने सारा यहाँ पीड़ा है और आप लेके जाना पड़े। हमारे तीनों भाइयों की हमारी राजस्थान जन कल्याण संस्थान की एकली की पीड़ा को नहीं, अपने सारा राजस्थानी हेतालुआ की पीड़ा है आई लेके चालिया और जदू मैं चालिया आज तक पहुँचा वास्तव में सारी सारा की पीड़ा है और सारा का सारा है जिका अपने सारा के सागे है।
तो क्या लगता है ये छोटी हाइट बड़ा कमाल करेगी या नहीं करेगी? देखो जी, मैंने कभी महसूस को नहीं है कि मेरी हाइट है जी छोटी है। मैंने ये लगे कि मैं भी एक थारे तेरे सामान्य जीवन जीने ला रही हूँ, लेकिन मैं जी को वो मारी जी की संस्था है या मैं जी को काम कर लग रहा, मैंने उम्मीद है कि जी की आला कमान है जरूर मारी बात सुनेगी। बिल्कुल, आपका हौसला वाकई में बुलंद है और होना भी चाहिए। दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि आप सभी से किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई होती है तो उसका सामना हमें डटकर करना भी चाहिए। तो आप भी साथ में चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप तीन ही लोग हैं ना? बिल्कुल कौन लगे साहब, क्यों गए मैं जटे भी जावा मना गया, खूब साथी मिले और मैं अंग साथ है जी हाँ, 5 सदस्य रथ में भी हाँ अंगो ध्यान रखन खातर। और मैं जकी भी जगह आगे पहुँचा तो थे जिको भाई तीधर शिषपाल जी प्रश्न पूछो कि मतलब थे खर्चा के मामले में, तो खाने के मामले में तो मारा कटा लाग रहा ही कौन है, मारी ऑटोमेटिक व्यवस्था होया क्या करे नहीं कहे चिड़ी चूच दिया चुगो भगवान दई, तो आ समझ ले मारा चुगेगी थारा जी साहब भाई से ऑटोमेटिक व्यवस्था रहेगा, न मारे रुकन को लगे ना कोई बात, तो ना तो माना कोई खर्चा की चिंता। और जब काम तेवड़ लिया तो भी मगर आप खर्चे की चिंता पहला उकड़ लग जाए तो शायद वहाँ पर काम कर ही कौन सका। लेकिन अपन अपने भाषा के प्रति जो अंदर अंतर चेतना जागी है और सब राज्यांग है तो अपनी यहाँ मांग है। और इनके अलावा एक वर्तमान में बात चल रही है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, इन बात ने मैं एकदम सकारात्मक रूप में समझा कि मोदी जी अपने पूरे राजस्थान की जगह राजस्थानी भाषा है बिना लेके भी बड़ा संवेदनशील है और माने पूरी आस है कि भाषा मानता मिली। तो क्या लगता है आप लोग भी साथ में चल रहे हैं, तीन लोग हैं, तो क्या किस तरह की कठिनाइयाँ सामने आ रही है, कोई परेशानी इनके अलावा कोई कठिनाई को नहीं? जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। आज अगर मैं सूरतगढ़ हूँ चाल के 2800 किलोमीटर दूर आया और 2800 किलोमीटर दूर आगे भी मारा माने अटे मारे परिवार नु बढ़ गए जी की इतनी सुविधा मिली है, तो मैं कौन माना कि मैं अकेला, क्योंकि गंगानगर जिले हूँ मैं चाले आ जाए टाइम तो मैं तीन को नहीं आया, लगभग माने 500 आदमी विदा कराया और हर जगह 100-200 हर शहर में माना आदमी जी गए मारो स्वागत कर रहे हैं, तो भी बात की माने खुशी है और भी हौसलों में आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई दूरी जाने का क्या प्रोसेस है, कहाँ पर पहुँचें, किसको ज्ञापन देंगे? दिल्ली संसद भवन पहुँचाऊँगा और आला कमान है जी का, आला कमान जो भी है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सेंटर सरकार में, तो मैं गृह मंत्रालय तक मैं यह बात पहुँचाऊँगा और जिका भी हूँ संबंधित जिका विभाग है बिंगा जी का आला कमान है मैं ज्ञापन देवाऊँगा और वहाँ तक आप बात पहुँचाऊँगा। बिल्कुल दोस्तों, सभी का अपनी बात पहुंचाने का सरकार तक प्रशासन तक एक अलग अलग जरिया होता है, इनका भी एक जरिया है, साइकिल से चले हैं, पैदल यात्रा की तरह की इनकी पैदल यात्रा नहीं है, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि इनको देखकर, आपका नाम क्या बताया था? शिषपाल जी, इनको देखकर यही कहूँगा कि इनका जो हौसला है वाकई में काबिल तारीफ है और इस हौसले को आगे चलकर इसको बुलंद भी करना है और इस मुकाम तक। मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग जो आप मान्यता लेने के लिए जा रहे हैं राजस्थान भाषाओं को मान्यता मिलनी भी चाहिए और ये प्रयास हम सबका होगा। तो इसी की कड़ी के अनुसार यहाँ पर चिड़ावा शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली जा रहे हैं और ज़रूर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए जिससे कि हमारे भी राष्ट्र की पहचान, राज्य की पहचान हो, हमारी पहचान से ही राज्य की पहचान है। बिल्कुल, तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सिग्नल टाइम। जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी।